अब इन्वर्जन के अकॉर्डिंग समझे तो फोर बार चेन को चार तरीके के इन्वर्जन हम कर सकते हैं। इन्वर्सन से मीनिंग क्या है? इन्वर्सन से मीनिंग है कि इसको उल्टा करना, रिवर्स करना। तो किस किस प्रकार से कर सकते हैं? जैसे फोर बार चेन को आपने समझा कि किसी एक लिंक को हमने फिक्स कर दिया, यानी इन्वर्सन ऑफ मैकेनिज्म। आपको मैं पहले एक लेक्चर में पढ़ा चुका हूं कि इन्वर्सन ऑफ मैकेनिज्म क्या है, उसको आप कंप्लीट देख सकते हैं। इन्वर्सन ऑफ मैकेनिज्म से मीनिंग होता है कि जब, जैसे एक तो मैकेनिज्म है सिंपल, सिंपली मैकेनिज्म हमारा जो है वो क्या होता है, तो मैकेनिज्म होता है जब किसी एक लिंक को फिक्स कर दिया जाए, किसी काइनेमेटिक चेन के अंदर किसी एक लिंक को फिक्स कर दिया जाए तो उसको बोला जाता है मैकेनिज्म। जबकि इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म किससे मीनिंग क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म से मीनिंग होता है कि किसी चेन में, काइनेमेटिक चेन में लिंक बाय लिंक हम फिक्स करते जाए तो उसको बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ फोर बार चेन। अब इन्वर्सन ऑफ फोर बार चेन को हमने चार तरीके से क्लासिफाई किया है। एक है कपल्ड लोकोमोटिव व्हील, मींस इन्वर्सन ऑफ चेन से मीनिंग कि फोर बार चेन को हम कपल्ड लोकोमोटिव व्हील्स के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, बीम इंजन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, पेंटोग्राफ और इसी प्रकार एकरमैन्स मैकेनिज्म या एकरमैन्स प्रिंसिपल। तो सबसे पहला समझते हैं कपल्ड लोकोमोटिव व्हील्स। कपल्ड लोकोमोटिव व्हील्स क्या है, आप यहां फिगर से देख सकते हैं। ओल्ड टाइम में जो इंजन्स थे उनके जो व्हील्स थे उनको कपल किया जाता था कुछ इस प्रकार से, या इसी मैकेनिज्म को हम बोल सकते हैं डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। अब डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का क्या है, जिसमें डबल क्रैंक लगा हो और डबल क्रैंक की जो रोटेशन है मींस दोनों की 360 डिग्री पे रोटेशन हो, एक इसका यहां पे ये लिंक हो गया, दूसरा ये लिंक हो गया, तीसरा ये लिंक हो गया और चौथा ये लिंक हो गया, तो इस प्रकार से चारों जो लिंक है उनको कंप्लीटली कपल किया जाए, चारों जो लिंक है उसमें इस प्रकार से रिलेटिव मोशन हमारा ट्रांसफर हो। तो इसमें हम किसी एक को पर्टिकुलर फिक्स कर सकते हैं, जैसे ये वन है तो इसको हमने मान लीजिए फिक्स किया तो उसी के अकॉर्डिंग वो रिलेटिव मोशन होगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है पुराने टाइम में, ओल्ड टाइम के अंदर जो ये इंजन होते थे, जो इनके अंदर जहां यहाँ पे नीचे बॉटम सेक्शन में आप देख सकते हैं व्हील्स किस प्रकार से कपल किए जाते थे, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है कपल्ड लोकोमोटिव व्हील का। अब नेक्स्ट पे चलते हैं बीम इंजन। बीम इंजन का बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे फिगर दिखाया हुआ है, ये बीम इंजन या इसको बोल सकते हैं हम स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन के अंदर ये प्रिंसिपल काम करता था, ये प्रिंसिपल वर्क करता था। इसका मैंने एक 3D डायग्राम भी यहाँ पे आपको दिया है, जो 3D डायग्राम उसमें भी आप देख सकते हैं। उसको देखने से पहले हम समझते हैं इस फिगर में, यहाँ पे एक क्रैंक लगा हुआ है, क्रैंक जो कि बेसिक रोटेट होता है, क्रैंक के साथ में एक कनेक्टिंग रोड लगाई हुई है, कनेक्टिंग रोड जाकर के एक तरफ अटैच है ओवरहेड आर्म की एक साइड में। ओवरहेड जो बीम है उस ओवरहेड बीम के या ओवरहेड आर्म के दूसरी तरफ यहां पे है रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट के लिए पिस्टन की रोड। नीचे बॉटम सेक्शन में लगा हुआ है पिस्टन, पिस्टन जो कि सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट होता है। यहां से आप इस फिगर में देख सकते हैं 3D डायग्राम में, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट होता है, ये इसकी रोड है जो कि बेसिक अप एंड डाउन पिस्टन को करने में हेल्प करती है। ये अपर सेक्शन में ओवरहेड बीम है या ओवरहेड आर्म है जो जाकर के जुड़ी है क्रैंक के साथ में। तो क्रैंक यहाँ पे रोटेट होगा 360 डिग्री पे, जबकि ये ओवरहेड जो बीम है ये उसी हिसाब से हमारी फ्लेक्चुएशन करेगी जिस हिसाब से क्रैंक की मूवमेंट होगी। अब क्रैंक की यहाँ पे मूवमेंट होगी, जब नीचे की तरफ आएगा तो इसको नीचे की तरफ खींचता है और इससे हमारा जो पिस्टन है वो अपवर्ड मूवमेंट में जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। फिर इसके बाद ये कंटिन्यूअसली रोटेट होगा, कंटिन्यूअसली 360 डिग्री पे रोटेट होगा तो इसकी लगातार अप एंड डाउन मूवमेंट चलती रहेगी। तो फोर बार चेन को हम एज ए बीम इंजन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, मींस इसका जो प्रिंसिपल है वो हम बीम इंजन में भी यूज कर सकते हैं, स्टीम इंजन में जो कि यूज ऑलरेडी करते थे। तो ये सिंपल से आपने दूसरा समझा कि इन्वर्जन ऑफ फोर बार चेन में बीम इंजन किस प्रकार से वर्क करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इसमें तीसरा है इन्वर्जन ऑफ फोर बार चेन के अंदर पेंटोग्राफ। दोस्तों पेंटोग्राफ आपने जो ट्रेन होती है ट्रेन्स के अंदर देखते हो, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है
तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी सहायता से ट्रेन को रन करने के लिए पेंटोग्राफ लगाए जाते हैं। तो ये पेंटोग्राफ का आप फिगर देख सकते हो, तो हम फोर बार चेन को एज ए पेंटोग्राफ के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जितना वो बेसिकली यहाँ पे जो साइड आपको दिखाई दे रही है पेंटोग्राफ, क्योंकि ये एक फोर बार डिवाइस है जो कि रिप्रोड्यूस करता है किसी एक गिवन डिस्प्लेसमेंट को, जितना यहाँ पे ये डिस्प्लेस आपको दिखाई दे रहा है टू ए रिड्यूस और एक एनलार्ज स्केल पे, मींस रिड्यूस हुआ या एनलार्ज हुआ उसके अकॉर्डिंग, या यहाँ पे आप आसानी से इसको समझ पाएंगे कि ये रिड्यूस है या फिर ये एनलार्ज होता है, तो इसके बेसिस पे ये काम करता है। तो ये फोर बार चेन के इन्वर्सन का बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे पेंटोग्राफ। जनरली जो है दीज आर यूज्ड फॉर डुप्लीकेटिंग द ड्रॉइंग्स, मैप्स और प्लेन्स। तो ये है हमारा पेंटोग्राफ। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है एकरमैन्स स्टीयरिंग या एकरमैन्स मैकेनिज्म। दोस्तों एकरमैन मैकेनिज्म फोर बार चेन का एक और अनदर बेस्ट एग्जाम्पल है। यहां से आप इसको समझ सकते हैं जो ये इसके लिंक्स है। लिंक इसको मान लीजिए मैं मानू यहाँ पे ए लिंक, बी लिंक, सी और डी। यहाँ पे इसको कोई भी हम मान सकते हैं या इसको मान सकते हैं, ये दोनों ए बी लिंक है और ये दोनों सी डी लिंक है। तो एक लिंक हो गया यहाँ हमारा ए बी और दूसरा हमारा यहाँ पे हो गया डी सी लिंक। तो ये जो डी सी लिंक है, जब यहाँ पे हमारा पर्टिकुलरली व्हीकल स्ट्रेट साइड में चल रहा है तो वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। जैसे व्हीकल का टर्निंग का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, व्हीकल जो है हमारा, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है ये मोटर व्हीकल्स के अंदर यूज होता है, तो जैसे व्हीकल हमारा टर्निंग का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, हम हमारा जो स्टीयरिंग है उसको घुमाएंगे, रोटेट करेंगे किसी तरफ मुड़ने के लिए। मान लीजिए राइट साइड टर्न करना है या लेफ्ट साइड टर्न करना है, तो उस केस में क्या होगा, ये मैकेनिज्म जो लिंक्स हमारे लगाए हुए हैं ये लिंक्स भी साइड चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से एकरमैन स्टीयरिंग मैकेनिज्म पे भी फोर बार चेन हमारी बेस्ट यूज होती है, या एक प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि 360 डिग्री रोटेट नहीं होगा। तो ये हम एग्जांपल के तौर पे रोकर आर्म ले सकते हैं, क्योंकि जो क्रैंक है वो 360 डिग्री पे रोटेट होता है जबकि रोकर 360 डिग्री पे रोटेट नहीं होता। तो यहाँ पे ये रोकर टाइप का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि व्हीकल ने जैसे टर्न लिया तो ये साइड में जाएगा, ये इस साइड में जाएगा, तो इस प्रकार से ये साइड में जाएगा और यहाँ से जो टायर्स हैं वो इस प्रकार से मूव करेंगे यदि हम राइट साइड में मूव कर रहे हैं, राइट साइड में टर्निंग का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म है मोटर व्हीकल्स में यूज होता है, और इस केस के अंदर क्या होगा कि लिंक्स को इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है कि जो रिलेटिव मोशन होगा टायर्स के बीच में और नीचे रोड के बीच में वो प्योरली क्या हो, रोलिंग हो, मींस उस पे पर्टिकुलरली ये हमारे रोल करे जब हम टर्निंग का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं या व्हीकल को हम जब टर्न करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस फोर बार चेन को लगाया जाता है जिससे टायर और रोड के बीच में प्योरली रोलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस हो। तो ये थे दोस्तों फोर बार चेन क्या है और फोर बार चेन के इन्वर्जन कौन कौन से होते हैं। थैंक यू दोस्तों।